हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। यानी कि स्टूडेंट्स, जो पीरियडिक टेबल होती है उस पीरियडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की जगह लोकेशन कैसे पोजीशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये कोई भी जो एलिमेंट है जिसका हमको एटॉमिक नंबर अगर पता है तो वो उस टेबल में कहां आएगा, ये हम पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर किस ग्रुप में आता है, इन चीजों को हम पता कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको कुछ चीजें जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए, जिससे आप इजिली उस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं कि वो पीरियड टेबल में कहां आएगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली गाइडलाइन है कि अगर आपको पता करना है कि वो एलिमेंट किस पीरियड का है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल लेंगे। ओके, यानी कि इनडायरेक्टली आप उसके स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लेंगे और स्मॉल एन की वैल्यू होगी यानी कि सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एग्जिस्ट करता है, कौन से ऑर्बिट में या कौन से शेल में एग्जिस्ट करता है। तो जो वो एन की वैल्यू होगी, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, उसी पीरियड में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो आपको वीडियो देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो वो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक में आएगा। ओके, तो उसके लिए क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, कि उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में एग्जिस्ट करता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है यानी कि एस सब शेल में जाता है तो वो एस ब्लॉक का होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक में होगा, डी में होगा तो डी का होगा और एफ ब्लॉक के लिए एफ का होगा। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं कि उस एलिमेंट का अगर हमको ग्रुप पता करना है कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में आता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सिंपली, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो आउटर मोस्ट एन है यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है, ओके, या फिर पेनल्टी मेट है यानी कि उसके जस्ट एक पहले वाला एन माइनस वन वाला जो शेल है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग है। ओके, यानी कि अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो उसको पहचानना, उसके ग्रुप को पहचानना वो अलग तरीका होगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए उसके ग्रुप को आइडेंटिफाई करना थोड़ा अलग तरीका होगा, डी और एफ के लिए भी अलग अलग तरीका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहली बार स्टूडेंट्स, अगर हमको बात करना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि एनएस इलेक्ट्रॉन, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो उसमें जो एनएस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है। अगर वो एनएस वन होगा तो वो पहले ग्रुप में आएगा, अगर NS2 में होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली वो सेकेंड ग्रुप का होगा। तो इस तरीके से NS इलेक्ट्रॉन को हमको मॉनिटर करना होगा, देखना होगा एंड उसके बेस पे हम उसके ग्रुप को पता कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि P ब्लॉक का एलिमेंट हमको निकालना है तो उसके लिए देखिए क्या रूल है, कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखेंगे हर एक के लिए। ओके, अब यहां पे पता करना है कि ग्रुप कौन सा, तो 10 प्लस यानी कि एक फॉर्मूला है 10 प्लस नंबर ऑफ एनएस एंड नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है और एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उनको प्लस करेंगे प्लस 10 के साथ। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको कौन से ब्लॉक में वो पता चल जाएगा। ये कैसे होगा देखिए, मान लेते हैं हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लोरीन है मतलब एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 17 होते हैं तो 2 प्लस 2 हो गए कितने, 4 प्लस 6 10, तो जगह आप 3s2 एंड 3p5, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पे 10 प्लस जो ns np यानी कि लास्ट वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 10 17, तो ये जो है क्लोरीन है वो 17 वाले ग्रुप में आपको पीरियड टेबल में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसी टाइप से जब आप डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके ग्रुप की पता करना है तो क्या करेंगे, हम सम करेंगे यानी प्लस करेंगे किस किस को, एन माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और एनएस में जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको डी ब्लॉक के
ग्रुप का पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन कि जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसका तो फिक्स ही है ना कि ग्रुप नंबर थ्री में आएगा। जैसे कि हमने देखे थे लेंथेनम और एक्टिनियम, ये दो एलिमेंट्स थे राइट, जो कि थर्ड ग्रुप में आते हैं, जो कि एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से एफ ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा ग्रुप नंबर थ्री में ही आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।